था, शुरू करें। हाँ जी, करना था ना प्यारे बुजुर्ग, लास्ट टाइम हमने यहाँ से पढ़ा था ना ये। हाँ, गैरत पढ़ दिया था ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इब्ने अरबी बैठक में खुश आमदीद। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने रसाइल इब्ने अरबी से ताजुद तराजम में से जो बयान पढ़ा था वो था बयान गैरत। तो आज हम उससे अगला बयान पढ़ेंगे, बयान वजूद। तो स्टार्ट शुरू करते हैं। इशारा, जब हक ने तुझे तेरे नफ्स के हवाले किया तो तू रबूबियत का दावेदार बन बैठा। फिर उसने साहब इस्लाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इशारा, जब क्लियर सही आ रही है। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत बहुत क्लियर। सिर्फ वो बैक कैमरा है ना, फ्रंट से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक बैठो। अच्छा जी, अब जरा उसको थोड़ा सा वो करें तो इस पर ज़रा ध्यान देते हैं आप। इशारा, महबूब बिलाई साहब कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, आ गई जनाब। राजा साहब कह रहे हैं ये सारी इकदाम ट्रांसमिशन अगर लाइव होने से पहले कर ली करें तो मुनासिब रहेगा। जी, लाइव होने से पहले ही कर रहे थे, अभी लाइव शुरू हुआ है। और ज़ाहरी बात है कि सेटअप में टाइम लगता है, ये फ़ौरन से तो नहीं हो जाता। तो आप जो टाइम होता है उसके अंदर ही हम करते हैं। तो अभी हम शुरू अभी हम करने लगे हैं, मतलब अभी किया नहीं है। चलो जी, मतलब शुरू करें अभी। इशारा, जब हक ने तुझे तेरे नफ्स के हवाले किया तो तू रबूबियत का दावेदार बन बैठा। फिर उसने तुझे अबूदियत से मुकल्लफ किया। इस पर गौर कर, बेशक उसने तुझ पर हुज्जत कायम की। इशारा पढ़ लेते हैं, इसका हाशिया पढ़ लेते हैं, 16 नंबर। आशिया जी की, यानी जब हक ताला ने तुझे कहा कि अपने मामलात खुद चला तो तू ये दावा कर बैठा कि तेरे हाथ में सब कुछ है। फिर उसने तुझे अपनी शरीयत का मुकल्लफ किया। अब जिस चीज़ का उसने तुझे मुकल्लफ किया इसमें गौर कर, बेशक उसने तुझ पर हुज्जत कायम की। यह कि जब हक ने तुझे तेरे नफ्स के हवाले किया तो तू रबूबियत का दावेदार बन बैठा। जब हक ताला ने तुझे, यानी दुनिया के अंदर जब इंसान आता है तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, नफ्स भी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। जब इंसान अपने नफ्स पे गौर करता है तो वो कहता है कि ये सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ और मुझ ही से है सब कुछ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो फिर ये है कि जब उसने तुझे तेरे नफ्स के हवाले किया तो तू रबूबियत का दावेदार बन बैठा कि ये मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ, ये मेरे होने से ही है सब कुछ। अगर मैं ना हूँ तो सब मैं ना हूँ तो समझो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। नहीं, सब कुछ तो खत्म नहीं होगा, लेकिन समझता ही है ना। लेकिन उसकी सोच यही होती है कि वो समझता है कि मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहा हूं, अपने मेरे करने से ही सब कुछ हो रहा है, अगर मैं ना करूं तो ये कुछ भी ना हो। फिर उसने तुझे अबूदियत से मुकल्लफ किया। इस पर गौर कर, बेशक उसने तुझ पर हुज्जत कायम की। तो फिर क्या किया कि उसने, जैसे अभी हमने हाशिए में पढ़ा है कि फिर उसने शरीयत से इंसान को शरीयत से मुकल्लफ किया। अब जिस चीज़ का उसने तुझे मुकल्लफ किया इसमें गौर कर, बेशक उसने तुझ पर हुज्जत कायम कर दी कि तू मुकल्लफ है, तू खुद से कुछ नहीं है, जो कुछ है वो तूने उस दायरे के अंदर रह के करना है और वो क्राइटेरिया जो सेट किया है वो करने वाला कोई और है। अच्छा, अबूदियत से। हाँ, अबूदियत से मुतलिक, अबूदियत से मुकल्लफ किया। हाँ, अबूदियत से मुकल्लफ किया, यानी तो खुद कुछ नहीं है। अगर तू खुद ही होता तो फिर ये शरीयत ना आती। शरीयत ना आती इसका मतलब है कि तू भी किसी के करने से कुछ कर रहा है, अदरवाइज अगर वो ना करे तो तू भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे। अबूदियत को मुकल्लफ किया ना, अबूदियत से मुकल्लफ से मुराद है कि उसने कहा कि अब ये काम कर शरीयत से। वो काम तूने नहीं करने थे ना, उस कामों का कोई तल्लुक नहीं बनता। नहीं, अबूदियत से मुकल्लफ किया इसमें गौर कर, उसने तुझ पर हुज्जत कायम की, यानी कि उसने तुझे ये कहा कि उसने, फिर उसने तुझे अपनी शरीयत का मुकल्लफ किया। अब जिस चीज़ का उसने तुझे मुकल्लफ किया इसमें गौर कर, बेशक उसने तुझ पर हुज्जत कायम कर दी। हुज्जत कायम की ना कि तू खुद कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ भी है तू उस दायरे के अंदर है, तो वो जो शरीयत का दायरा है तूने उससे बाहर कुछ करेगा तो फिर तेरे लिए मसाइल होंगे। तू अगर तू खुद ही मतलब सब कुछ होता तो फिर जो मर्जी करता फिरता ना। अब तो तुझे एक दायरे के अंदर रह के सब कुछ करना है, वो शरीयत के दायरे के अंदर। सही है, चलेंगे अभी। ठीक है, आगे लतीफ़ा। कदम और हदूस एक दूसरे के उलट हैं। अगर तू खुशबख्त है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, और अगर बदबख्त है तो
अदबन अपने नफ्स को मलामत कर। जी अब्रासा बताएं जी इसके बारे में। किदम और उदूस, किदम का मतलब है कि जो चीजें हमेशा से हैं, उदूस का मतलब है कदीम, और उदूस का मतलब है जो चीज तकलीफ हुई, हादिस हुई, एक दूसरे के उलट है। अगर तू खुशबख्त है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, बख्त है तो अदबन अपने नफ्स को मलामत कर। तो यानी दूसरी सेंस में ये दोनों चीजें, दूसरी सेंस में जो दोनों चीजें वो तो अपने नफ्स से ही है, लेकिन यहाँ पर अदब की बात की गई है, तो इस वजह से कहा गया कि अदब बदबख्त है तो अदब अपने अदबन दूसरे सेंस में भी अदब बनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना भी अदब बनी है। तो ये दोनों चीजें वही हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं काफी दफा कि जो जो भी इंसान ने किया तो उसका नफ्स जो है वही उसका जिम्मेदार है। तो यहाँ पर शेख ने अदब की बात की है, तो इस वजह से कहा गया अदबन अपने नफ्स को मलामत कर। लेकिन अगर दूसरी सेंस में भी देखा जाए, जैसे हम कहते हैं कि हमारे तमाम अफाल का खालिक वही है, तो फिर हम उसको फिर भी हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसने ही हमें मतलब हमारे जिम्मेदार, तो जिम्मेदार हम उसे नहीं ठहरा सकते, खालिक है ना, जिम्मेदार नहीं वो, खालिक है, उसने जो कुछ भी लिया वो ऐन साबित ने उसको मतलब जो इल्म था वो हमारा ही था ना, इल्म से उसने हाँ उसके मुताबिक कर दिया, जिस तरह का इल्म था उसके मुताबिक उसने हमारे साथ वो मामला किया, तो हम उसको तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अदबन ये कहते हैं जी कि अच्छे सारे काम हम उसकी तरफ मंसूब करते हैं और जो बुरे सारे हैं वो अपने नफ्स की तरफ मंसूब करते हैं। समीना अजमत साहिबा सलाम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत सारे सवाल से आ गए, कोई क्या है, सवाल नहीं है, कतर के वीजे हैं। अच्छा जी आगे है जी इशारा, जब तक दुनिया कायम है तब तक खुशबख्तों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये पिघलाने और खालिस बनाने का घर है। तू छः आयाम के चक्कर में है और सातवां रोज और सातवें रोज और अच्छा सातवां रोज और सातवां रोज सातवें रोज होना चाहिए ना, सातवें नहीं नहीं सातवां रोज दारे सातवें रोज दारे अबद में दाखिल होगा। हाँ सातवें, ये गलती है यहाँ पे, चलें सातवें रोज दारे अबद में दाखिल होगा। ये कि जब तक दुनिया कायम है तब तक खुशबख्तों को मुश्किलात का सामना है, जो खुशबख्त हैं वो दुनिया के अंदर वो मुसीबतें तकलीफ झेलते हैं, तो उनके लिए दुनिया जो है वो मुश्किलात का घर है। एक जैसे वो एक बंदा था, उसने कहा था कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, वो मतलब यहाँ पे आप जो बंदा ये कहे कि जो कुछ भी हैं मतलब आसानी ही आसानी है, दुनिया तो मुश्किलात का घर है, यहाँ से हमने खालिस होके आगे मुश्किलात झेलनी, मुश्किलात झेलनी है, खालिस होके आगे जाना है। जैसे कि वो सोने को जो रॉ मटेरियल होता है उसको आग में डालते हैं तो उसमें से असल सोना बाहर निकालते हैं तो बाकी चीज़ें साइड पे हो जाती हैं और असल सोना बाहर निकलता है। तो यहाँ पे भी यही है कि दुनिया भी वही चीज़ है, दुनिया में हम आए हैं तो अपनी जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर छोड़ेंगे और असल चीज़ हम आगे साथ लेके जाएंगे, वही हैं जो कि हमारे अमाल है और जो अच्छे अखलाक है और जो जो चीज़ें हम अच्छे अमल करते हैं दुनिया के अंदर। इरफान अली साहब कह रहे हैं कि जी क्या हाल है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी आगे है जी कि तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, और अगर बदबख्त है तो ओह सॉरी मैं पीछे चलूँगा फिर, क्योंकि ये पिघलाने और खालिस बनाने का घर है, वही जैसे हो गया, तू छः आयाम के चक्कर में है और सातवां रोज़ दार अबद में दाखिल होगा, सातवें रोज़ दार अबद में दाखिल होगा। यही दुनिया के जो हैं है ना कि उसने इसको छः आयाम में किस तरह था अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने दुनिया को कायनात को छह याम में तखलीक किया और सातवां जो योम है वो हमारा वहाँ पे आखरत में जाना है। ये जो छह योम है ये दुनिया के चक्कर है, इसी चक्कर में सारी दुनिया बस। तो इसको मेन तो इसका यही है कि यहाँ से अच्छे आवाज आ जाए, मेन तो यही है कि यहाँ पर मुश्किलात हैं यहाँ से मुश्किलात, आसानी कोई नहीं है, आसानी जो है वो वक्ती अर्जी है। और कोई बंदा कहे कि जी मैं बड़ा आसानी में रहूँगा तो खुशबख्त भी अगर हो तो फिर बड़ा मुश्किल है, बदबख्त अगर है तो वो अपने लिए कोई दो नंबरियां करके आसानी ढूंढ ले तो चलो आसानी ढूंढ ले, लेकिन उसकी भी मुश्किल आती है। लेकिन दूसरी चीज़ में वो होता असल में यहाँ पे तो मुश्किलात होती हैं आगे के लिए आसानी होती है ना। हाँ अब मुश्किलात कैसी हैं, जैसे कि वो एक बंदा था, उसने कहा जी कि उसने कहा जी कि दुनिया में मुझे तो बहुत थोड़ा मिला, उसने बड़ी मतलब अपनी शिकवा शिकायत किया, तो उसने कहा जी कि आप ये ऐसे करें कि ना, उस्ताद था उसने बच्चों को सिखाने के लिए कहा कि सबको थोड़े थोड़े पैसे दिए, एक को 10 रुपये दिए, दूसरे को 7 रुपये, तीसरे को 5 रुपये, 2 रुपये, फिर एक को 1 रुपये दे दिया सब ने। अब फिर जब उन्होंने कहा कि ये खर्चो, खर्च करके तुमने मेरे पास आना है, ये एक दिन के बाद कल मैं तुमसे पूछूंगा इसका हिसाब लूँगा, तो वो सारे वापस आए जब, तो उन्होंने कहा जी कि बताएं कैसे आपने कहाँ का खर्च किए, तो वो और खर्च और मैं हिसाब आपसे लूँगा, और ये तंदूर है थोड़ा मतलब गर्म किया हुआ था थोड़ा, तो उसने कहा कि आपने टांगे इसके अंदर लटकानी है और बैठ के इसके अंदर बताना है मुझे हिसाब देना हिसाब देना है। तो उन्होंने क्या किया कि टांगे नीचे की, तो जो 10 वाला था उसको तो भूल ही गया कि मैंने खर्च किए थे, उसने कहा फलां जगह फलां जगह फलां जगह, उसको तो नीचे से पाँव जलना शुरू हो गए,
तो उसने तो बड़ी मुश्किल से अपना वो मामला करके तो पाँव बाहर निकाले। दूसरे ने कहा उसे थोड़ा टाइम लगा, उसने तो जो सात वाला था, 7 रुपए वाला, उसने अपना जो था वो बताया, और जिस जो सबसे कम वाला था जिसके पास 1 रुपया था उसने कहा जी कि 1 रुपये का मैंने ये लिया, और बस उसने टांगे बाहर निकली और साइड में हो गया। तो आगे हिसाब भी कम है, और दुनिया में अगर कम है, अब दुनिया में तो चाहे उसको मुश्किल होंगी लेकिन आगे के लिए उसके लिए आसानी होगी। अच्छा, ये कैम कह रही हैं कि हुज्जत कायम करने से क्या मुराद है? तो जो हमने पिछले इशारे में पढ़ा ना, हुज्जत कायम की पहले इशारे में, पहले इशारे में था, बेशक उसने तुझ पर हुज्जत कायम की। हुज्जत कायम करने से क्या मुराद है? वलीद साहब ये सवाल कर रहे हैं। हुज्जत कायम करना यही है ना कि उसने कहा कि तू ये मुकल्लफ किया और इस पर गौर कर, उसने तुझ पर हुज्जत कायम की। ये जो है ना, क्या कहते हैं उसको, कि इंसान इस चीज़ का दावेदार ना बन बैठे कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये हुज्जत कायम की और उसके ऊपर जो था ना एक दायरा लगा दिया। ये दायरा एक हुज्जत है। हुज्जत यही है ना कि तू, तेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, वही ना, तू कुछ नहीं कर सकता। तकलीफ से जब तुझे पता चला शरीय से कि इसका मतलब है कि हुक्म देने वाला तो कोई और है। नहीं, हुज्जत का एग्जैक्ट मतलब वो पूछ रहे शायद, नहीं उससे मुराद पूछ रहे हैं, मतलब मुराद पूछ रहे हैं। हुज्जत का यही है ना कि तू कुछ कुछ नहीं कर रहा, सारा किसी के हाथ में, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये हुज्जत कायम कर दी, तेरे ऊपर हुज्जत अब कायम हो गई है, तू खुद नहीं कुछ कर रहा बस। तो अगर तू समझता है कि तू खुद कर रहा है तो फिर तो तू बिल्कुल ही बेवकूफ़ और जाहिल है। अच्छा, ज़मान भट्ट साहब कह रही हैं ये 6 अय्याम कौन से हैं और 7वां रोज़ कौन सा है? ये भी बताया तो है वैसे इसमें, लेकिन 6 अय्याम तो यही दुनिया के अय्याम है ना, जिनका जिक्र भी है कि जिसमें दुनिया को तख्लीक किया। तो शेख ही कह रही हैं कि 6 अय्याम यही हैं और इसी दुनिया के चक्कर में पूरी दुनिया है। तो जब यहाँ से इन 6 अय्याम से, क्योंकि 7वां रोज़ होता है छुट्टी का, तो छुट्टी का रोज़ तब मिलेगा कि जब दुनिया से जाएगा, क्योंकि होता है ना 6 दिन काम करता है तो बंदा 1 दिन छुट्टी करता है। ये उस सेंस में है कि 6 अय्याम शेख ने बताया कि दुनिया में है, जब तक दुनिया में है तो छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं है, मेहनत ही है और तकलीफ ही है। जब वहाँ से जाएगा तो फिर 7वें रोज़ रेस्ट करेगा, 7वां रोज़ अगला है। चलें, वो भी है सवाल कोई। वो वलीद खान साहब कह रहे हैं यहाँ शरीयत की उज्जत कायम की गई है। ठीक है, हाँ शरीयत की उज्जत वही वही जो तकलीफ से मुराद शरीयत ही है, और शरीयत की उज्जत इस तरह से कायम की गई है कि बेसिकली तो शरीयत उज्जत से मुराद बताना ही है, लेकिन उसके बाद उस बंदे को ये बताना मकसूद है ना कि तू खुद कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा है कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर तू ये समझता है कि तेरे हाथ में सब कुछ है तो पीछे क्या था जो पहला था, जब तुझे तेरे नफ्स के हवाले किया तो तू रबूबियत का जब दावा किया तो इस वजह से उस पर शरीयत की उज्जत कायम की, ताकि उसको इस बात का इतराक हो कि वो सब कुछ वो नहीं है, उसके ऊपर भी कोई असल रब तो कोई और है ना। तो नफ्स तो ये चाहता है कि मैं किसी के ताबे होकर ना हूँ, तो शरीयत उसको ताबे करती है, तो ये उज्जत है। इस जगह पे शरीयत ही उज्जत है, सादा लफ्ज़ असल में शरीयत उज्जत है। चलिए आगे चलो। इशारा मोहम्मद सुल्तान आरफीन साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इशारा, जब तक तू जाए खिताब है एहतियात की चादर मत उतार, जब खिताब ख़त्म हो जाए तो इस खिलत पर गौर कर जो तुझे उड़ाई गई, अगर ये खिलत तुझे बेखौफ करे तो बेखौफ हो जा। इसका हाशिया नंबर है जी 17। ये भी जब तक तू जाए खिताब, यही है ना कि जब तक तू दुनिया में है, दुनिया में जाए खिताब यानी कि उस वक्त तक वो तुझसे शरीयत वाला खिताब कर रहा है जब तक तू दुनिया में है। हाँ, अगर तू दुनिया से निकल गया तो फिर तो शरीयत वाला खिताब तेरे पर नहीं है, तो इस वजह से कहा एहतियात की चादर मत छोड़, यानी चौकन्ना रहे, उसके मगर से भी चौकन्ना रहे और बाकी चीज़ों से भी। इसका आशय भी पढ़ लेते हैं। इरफान साहब कह रहे हैं मेरा सवाल ये है कि नफ्से कुलिया से क्या मुराद है? इधर तो नफ्से कुलिया का जिक्र नहीं आया, जब मौके पर आएगा तो इंशाल्लाह उसका देखेंगे। एहतियात की चादर से मुराद मकर इलाही का खौफ रखना है। वही ना, मकर इलाही का ना, मकर के उससे खौफ में रहे, जब तक दुनिया में आए तब जिंदा है उस वक्त तक उसके मकर से बेखौफ मत हो। इसके बारे में शेख ने एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस भी नकल की है, हदीसे कुदसी है या ख़बर है कोई इस तरह की, अपनी किताब कोई वसाइल वसाइल में, हज़रत जिब्राइल और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के वाले से, कि वो दोनों बैठे रो रहे थे और उन्होंने कहा कि जी आप क्यों रो रहे हैं? कहा जी जब तक ये दुनिया है ना तो उस वक्त तक मकर तेरा कायम है, उस वक्त तक तेरे मकर से कोई निजात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मुकल्लफ कर लिया जाए तो वो मकर से बेखौफ ना हो जब तक जिंदा है, सादा लफ्ज़ों में ये मतलब है। आगे बाकी जी वही बस, ये तो फिर यानी वो है ना कि जब तक पूरा पढ़ लो ना जी, पढ़ लिया मैंने पूरा, पीछे भी है ना, पीछे थोड़ा सा ये नीचे भी है ना, पढ़ता हूँ। इस खिलत पर गौर कर, इस खिलत पर गौर कर जो तुझे उड़ाई गई, ठीक है, अगर ये खिलत तुझे
बेखौफ करे तो बेखौफ हो जा। हाँ, अब इस जगह पे यही है ना कि अगर तो तेरे पास को वाज दलील है कि जो दलील तुझे अमन दे रही है तो उसके बाद तू अमन में आ सकता है, लेकिन अगर तेरे पास दलील भी नहीं तब भी आना तो नहीं चाहिए शेख के नज़दीक, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकता है सादा लफ्जों में। जैसे जैसा कि अशरम बशरा वाले थे, हाँ, जिसको अशरम बशरा बशारत दे दी, या जिसको ये कह दिया गया कि रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी है, या जिनसे असहाबे बदर के बारे में ये कह दिया गया कि जी अब तुम जो मर्जी करो तो तुम पर कोई पकड़ नहीं, तो शेख कह रहे हैं कि उस सूरत में भी, हालांकि वो बंदा जो है वो मगफूर भी है और मरहूम भी है, यानी उसकी आखिरत में पकड़ तो नहीं होनी, लेकिन फिर भी इस आलम के ठिकाने का तकाजा यही है कि वो यहाँ पर एहतियात का दामन नहीं छोड़ेगा, मकर से फिर भी बेखौफ रहेगा, हालांकि उसको पता है कि उसको बिशारत भी दे दी गई है, तो यहाँ पर ये बिशारत ही मुराद है। वलीद खान साहब कह रहे हैं मकर से क्या मुराद है, या उसका मकर क्या है? असल मकर है उसकी छूट, मगर उसकी छूट है और ढील देना है, कि अगर आप समझें, अगर आप किसी गलत चीज़ को हक समझ के चलते जा रहे हैं और आप कहें कि मुझे हक दुरुस्त करेगा, वो नहीं करेगा, वो आपको ढील देगा कि ठीक है आप जाएं, आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे, वो बताएगा आप उसको कबूल नहीं करेंगे, तो इसके सौ हैं, लेकिन सादा लफ्ज़ों में इसको ढील देना, इस्तेदराज भी देगा, हालांकि देना, आपकी पकड़ जल्दी ना करना, मुख्तलिफ तरीके से आपको, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही आपको मतलब छोड़ ही देगा, लेकिन वो उस तरह से आपको बताएगा भी, लेकिन आप उसको जबरदस्ती नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा कि पकड़ के लाजमी। मकर का मतलब ये नहीं है जो उर्दू में लिया जाता है, उर्दू वाला मकर ये लिया जाता है किसी जान बूझ के धोखा, वो नहीं है। जब आप अपने नफ्स को या आपका नफ्स उससे उसको धोखा देते हैं तो वो उसके बदले में फिर आपके साथ वैसे ही करता है, ये नहीं है कि वो धोखे की इब्तदा उधर से होती है, वो आपके नफ्स से होती है, वो आपको फिर ढील देता है। इसका मतलब ढील देना इस्तेदराज है, इसका मतलब उर्दू वाला मकर नहीं है कि जिसको बंदा शुरू से किसी बंदे को धोखा दे तो उसको कहते हैं ये हमारे साथ मकर कर रहे हैं। अब अगर अगर वो क्या कहते हैं कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहे, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्ली नहीं है, बिल्ली तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अगर अगर तो वो बिल्ली को कुछ ना कहे ना, ये कह के नहीं बिल्ली नहीं है, वो तो उसकी अपनी गलती है, आंखें खोल के देखे ना, आंखें खोल के देखे बिल्ली तो मौजूद है तो उड़ जाए, तो वो क्या करता है कि वो ये कहता है नहीं जी बिल्ली तो लगता है नहीं है, मैं तो बस आंखें बंद करी रखूंगा, तो बस वो भी कहता है ठीक है नहीं है तो फिर जाने दो। चलें जागी चलें, ये कि यहाँ पे दुनिया में कमेंट्स पता नहीं किधर चले जाते हैं, दुनिया में बेखौफ जो है ना वो वही लोग है जिन्हें बिशारत दे दी गई, तो बिशारत नहीं तो वो भी बेखौफ उनको होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब उस सेंस में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि उन्होंने खिलत उड़ाई है, अगर ये खिलत तुझे बेखौफ करे तो बेखौफ हो जा, अगर हो जा, अगर बेखौफ सिर्फ इस सेंस में कि जो बिशारत है, ये नहीं कि हर चीज से बेखौफ हो जा, सिर्फ बिशारत की सेंस में, कोई बिशारत तो एक लिमिटेड सी चीज होगी ना, ये कह दिया जाएगा कि जी आखिरत में तेरे लिए दर्जा है, लेकिन दुनिया के मामला तो उससे वो फिर भी नहीं उठेंगे, दुनिया के मामला बिल्कुल उससे नहीं उठेंगे, लेकिन असल में ये बेखौफी उस सेंस में भी ली जा सकती है ना, कि जैसे वो कहते हैं कि ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं है और वो गमनाक नहीं होंगे, अब वो अगर तो उन्हें बशारत दे दी गई तो वो बशारत वाले लोग हैं जिन्हें कोई खौफ नहीं है, वो ना वो गमनाक होंगे, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जिनको ये बशारत, उन्हें पकड़ का खौफ नहीं है, पकड़ के खौफ, ये नहीं है कि कोई खौफ नहीं है, पकड़ का खौफ, उन्हें पकड़ का खौफ नहीं है कि अल्लाह ताला की हमारी तरफ से पकड़ नहीं होगी, क्योंकि उसने हमें जो नहीं है ये खिलत उड़ाई है, ये बशारत दे दी है, इस मामले में हमारा काम मामले हमारे सिर्फ ये मुराद इस होती है, और जिसको तो जिसको बाकी चीज़ों का बाकी मामला का पता चल गया कि जो कुछ जिसको मतलब इब्न अरबी रहमतुल्लाह का कॉन्सेप्ट है जो इन्हें साबित का, अगर उसके बारे में उसको पता चल जाए कि हाँ जो कुछ मेरे साथ होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन वो खौफ वाली कंडीशन से फिर बाहर निकलेगा, वो खौफ उसे नहीं पता, उसे ये इतना तो उसको पता है कि मैं जो चाहे करता रहूँ, जो गुनाह मुझसे सरजद होना है वो तो हो के रहना है, लेकिन फिर गुनाह सरजद होने के बाद अगर उसको ये तौफीक मिलती है तौबा वाली, तो उसके माइंड में ये हो तो फिर वो एक बेखौफी वाली कंडीशन में उसको भी कह सकते हैं हम लोग। समझ जमान भट्ट सब कह रहे हैं मकर महज तेरे ख्याल का नाम है, अब ये आप वाजे करें जी किसका मकर और किसके ख्याल का नाम है। अच्छा मकर महज मेरे गलत ख्याल का नाम है, पहले उन्होंने लिखा मकर महज तेरे गलत ख्याल का नाम है, फिर लिखा मेरे गलत ख्याल, अच्छा वो गलती से लिखी, गलती से लिख दिया, चलें अच्छा आगे चले जी, ये तो ठीक हो गया, पिछला तो वाजे है जी कि बेखौफ जो लोग होंगे उन्हें तो चलो खौफ नहीं होगा, बाकी जो है वो तो सारे ही दुनिया जो है वो कोई बिल्कुल ही सुकून वाली जगह नहीं है, यहाँ पे तो मुश्किल है ना, एक इशारा रहता है ना, ये पढ़ूंगा ना आ गया जी। लतीफ़ा अय्याम अय्याम खल्क जो के छः हैं, मैं हक के अमरो अवामिर और नवाही में मशगूल रह, अय्याम खल्क जो के छः हैं, यही छः अय्याम जो पहले भी जिक्र हुआ, इसके अवामिर और नवाही में मशगूल रह, अगर तुझे थकावट भी हो तो सुस्ती मत दिखा,
क्योंकि सातवें रोज तेरे सामने राहत ही राहत है, झूठी झूठी आगे हाँ वही ना, हम पहले बता चुके हैं। खैर सातवें रोज का हाशिया पढ़ो ना, फिर पता चलेगा किस तरह से इसका होना चाहिए था यार। बीच में वो जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो नहीं है, उससे मसला होता है, फिर नए सिरे से उसको निकालना पड़ता है। अच्छा हाशिए नंबर 18 है जी। अयाम खल्क से मुराद अयाम दुनिया है, यानी जब तक तू इस दुनिया में है, और सातवां रोज नतीजे का रोज है जिसके बाद या तो अबदी राहत है या फिर वही मुराद अबदी अजाब, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही बात है इसकी। आगे है जी लतीफा, ये तो ठीक है ना, ये तो वाजह बात की, तो पहले हम बात कर भी चुके हैं कि छह रोज ये दुनिया के रोज हैं और सातवां रोज वो छुट्टी का रोज है, यानी ये सातवां रोज वही मौत के बाद का रोज है, मौत के बाद का रोज है जिसमें जजा और सजा दिन में 6 दिनों का आपको नतीजा मिलेगा, रिजल्ट का दिन है, रिजल्ट का दिन है। यानी ये जो ये 6 असल में बात ये ना कि ये जो 6 यहाँ में ये हम लोग वो पढ़ाई कर रहे हैं जो स्कूल में हम पढ़ाई नहीं करते, और सातवां रोज होता है जब बंदे का नतीजा निकलता है। तो ये इसको आप दुनिया के साथ अगर कंपेयर इसको हम एक मिसाल के तौर पर समझें, तो फिर ये है कि जो बच्चा जो स्कूल में पूरा वो पूरा साल पढ़ता रहता है दुनिया में, वो समझ ले कि वो ये 6 अयाम जो है ये वो साल वो पूरा साल है, और फिर जब एग्जाम्स होते हैं एग्जाम्स के बाद फिर उसका नतीजा आता है, नतीजे के बाद फिर डिसाइड होता है कि वो आगे अगली क्लास में जाएगा या यहीं पे रहेगा। तो ये भी यही है कि वो उसके बाद फिर पता चलता है कि जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा। अब्दुल बारी खान साहब आए हैं, सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला वलीद खान साहब कह रहे हैं, दुनियावी तौर पर खौफ खत्म है, आखिरत का खौफ तो अंबिया को भी खत्म ना हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट लतीफ़ा जी, कि जब कोई तेरे लिए तुझ से मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत पर एतमाद कर, क्योंकि ये दुरुस्त मोहब्बत है, अल्लाह अपनी मखलूक से ऐसे ही मोहब्बत करता है, वो उन्हीं के लिए उनसे मोहब्बत करता है ना कि अपने लिए। वो पिछला हो गया था? हाँ पिछला हो गया था, पिछला तो आसान। अच्छा वो अंबिया के बारे से पूछ रहे थे ना। अच्छा हाँ, क्या पूछे था उन्होंने? कहते जी अंबिया को तो आखिरत का खौफ खत्म हो गया। यार किससे मिलाऊं? मोहम्मद असीब की कौन है? ये है ना, ये असीब, मोहम्मद असीब तो नहीं, असीब ख्वाजा है, ये मिल ही नहीं रही, यही है ना, जा नहीं रही, पता क्या चक्कर है, सिग्नल भी पूरी नहीं, ये सिग्नल का तल्लक ही नहीं है ना, मैंने दूसरी कॉल की है नॉर्मल वाली। हाँ अब जा रही है, चलिए आप इसे कंटिन्यू करें, मैं उनको बुलाता हूँ, वो लाइन बिजी कर देते हैं, दूर होगा फिर। चलिए अच्छा लतीफ़ा कि जब कोई, अच्छा ये 19 नंबर इसका हाशिम पहले पढ़ लेते हैं, सॉरी आप लोग को जो है ना वो असीम साहब कॉल कर रहे हैं तो वो उन्होंने आना था, इस वजह से जगह का पता नहीं चला कि हम दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, इस वजह से हाशिया नंबर जो है वो है जी 19, ये बड़ा हाशिया, इसको पढ़ते हैं। शेख अकबर अपनी किताब रूहुल कुदुस फ़ी मनासियत नफ्स में लिखते हैं, चूँकि अल्लाह ताला का हम से मोहब्बत करना हमारे लिए है ना कि उसकी ज़ात के लिए, तो उसने हमें हमारे अयूब पर मुत्तला किया, हमारी कोताहियों पर हमारी कोताहियाँ हम पर ज़ाहिर कें, बेहतरीन अखलाक और काबिल तारीफ़ अमाल की तरफ हमारी रहनुमाई की, उनके रास्ते हम पर वाज़े किए और उनकी बुलंदियाँ हमारे सामने कें, और जब हमने उससे अपनी खातिर मोहब्बत की, और दर हकीकत हम इस काबिल ही नहीं कि उसकी खातिर उससे मोहब्बत कर सकें, क्योंकि वो इससे बहुत बुलंद है, तो हम उसके हर उस फेल से राज़ी हुए जो हमारी अगराज से मुवाफिक न था, या हमारे नफूस जिसका इनकार करें और हमारे मिजाज जिसे नापसंद करें, खुशबख्त बंदा ही हक ताला के ऐसे अफाल से राज़ी रहता है, और जो ऐसे नहीं सोचता वो बेजार और बेकरार रहता है। चुनाचे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए, आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए आफियत के तलबगार हैं। ये आप थोड़ा सा इधर आगे चलें जी। ये जी कि जो कोई तेरे लिए तुझसे मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत पर एतमाद कर, जो कोई तेरे लिए तुझसे मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत पर एतमाद कर, क्योंकि ये दुरुस्त मोहब्बत है, अल्लाह अपनी मखलूक से ऐसे ही मोहब्बत करता है, यानी वो हम से हमारे लिए मोहब्बत करता है अल्लाह ताला,
ये तो वाजी है ना, वो उन्हीं के लिए उनसे मोहब्बत करता है ना कि अपने लिए। ये मेरी तो मैंने हाशिया भी पढ़ लिया है, हाशिया में भी ये बात वाजे हो गई है। मतीउल्लाह शाह साहब सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। टोपी पकड़ लें, पहले भी उड़ गई थी। वलीद खान साहब कह रहे हैं कि हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत में किसी को गुफ्तगू की इजाज़त ना होगी मगर अम्बिया को, मगर वो भी ये कह रहे होंगे कि अल्लाह मुझे निजात दे, अगर ये खौफ नहीं तो किस दर्जे में आएगा, मगर सिर्फ रसूल उम्मती उम्मती करते होंगे, बाकी अम्बिया नफसी नफसी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है जनाब, आप हदीस चेक करें, आप गलत बता रहे हैं। ये हदीस इस तरह से नहीं है, वो हदीस शफात के हवाले से है कि लोग शफात के हवाले से जाएंगे अम्बिया के पास कि आप शफात या हिसाब किताब शुरू करें, तो उस वक्त अम्बिया कहेंगे नहीं जी, उनको अपनी अपनी गलतियाँ जो भी हैं वो याद आएंगी कि ये हमारे, एक तो हमारा मकाम नहीं है, दूसरा फिर उनको अपनी कोताहियाँ जो जिस लेवल की भी होंगी वो याद आ जाएंगी, तो वो फिर एट दी एंड बात इस तरह पहुँचेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारे लोग आएंगे, वो कहेंगे कि अल्लाह ताला से कहें कि शफात का जो नहीं है वो शफात कह रहा हूँ हिसाब किताब रोज़े महशर शुरू किया जाए। हदीस इस तरह से है, आप इसको ज़रा करेक्ट करें।